हेलो। और सुबह मैं उठ गया हूँ, और तो और अभी मैं उठा हूँ 1:30 हो चुकी है। एकदम बाल बूत एकदम फ्रेश हो गए, चेहरे पे देख लो एकदम फ्रेश फ्रेशनेस है। और बस ये बाल कभी सेट ही नहीं आते जल्दी से, बस इसको सेट करने में टाइम लग जाता है कैसे कैसे कर। और कुछ खाने पीने के लिए मंगा रहा हूँ, तो अब वो आ ही रहा है ऑर्डर के लिए, कर दिया हूँ तो बस आ जाए। और तो रात को इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, दिखा नहीं पाया, सॉरी। बहुत ज़्यादा लिटरली भीड़ थी, पता लग ही गया होगा आप लोगों को। और तो मैं क्या ही बताऊँ, 2 बजे निकलना है, आज दोपहर को निकलना है, मतलब दोपहर को निकलूँगा और मस्त फिर चला जाए, प्लान बन रहा है। और खा पी भी लिया मैंने अब, और निकल लिया आप लोगों के सामने ही हूँ मैं। और मिट्टी थोड़ी सी उड़ रही थी, तो इसलिए मैंने अपना फेस कवर किया था मिट्टी के कारण। और बस एक शिया देख रहा था जाने के लिए इसलिए बस जहाँ जाना था उस जगह पहुँच ही गए थे मैं। मतलब कि वो थी प्लेस गोवर्धन पर्वत था, उसका परिक्रमा करनी थी, तो वो ई रिक्शा से होती 22 किलोमीटर से टोटल, तो इसलिए देख सकते अपना ई रिक्शा में बैठा ही हूँ, मस्त परिक्रमा चली रही है अपनी। और भैया ने मांगे थे अपना 500, एक्चुअली 400 में भैया ने कहा डन, तो ऐसे नेगोशिएट मैंने कर जैसे मर्जी करके कर लिया। और बालों की बैंड बज ही रही थी हवा के साथ, चेहरों की तो वैसे ही बज चुकी थी बैंड मेरे, क्या बताऊँ अब मैं। बस दिल पे पत्थर के बस चली जा रहा था। और ये है कुसुम सरोवर, ये सरोवर है कुसुम वाला, कुसुम सरोवर मतलब इसका नाम है इसका। और चलो फिर इसके अंदर जाकर देख ही लेते हैं अब। हाँ तो गए हैं वहाँ पे, चलते हैं साइड पर, एकदम मस्त वाला सीन आएगा, व्यू आएगा। इसके अंदर टर्टल्स थे छोटे छोटे ना, मतलब मैं देखे पर वीडियो में कैप्चर नहीं हो पाए। बहुत मज़ा आया, मतलब एकदम लिटरली आया ना, बहुत मज़ा आ गया वहाँ पर घूम कर। और वहाँ पे कुछ लोग, अब क्या ही कहा जाए, कपड़े धो रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, मतलब पानी कुछ ज़्यादा शुद्ध कर रहे हैं इसको धो धा कर एसिडिक और बेसिक वाटर में लाद लग, पता नहीं क्या क्या बनाई जा रही है, इसलिए वाटर का कलर देख ही सकते हो। और लोगों ने प्लास्टिक भी इसी में ही मतलब पी वो के फेंक दो बस। और रास्ते में बस जा रहे थे, ये गोवर्धन पर्वत उस साइड है, उस साइड देख लो ऐसे ऐसे है कुछ व्यूज। और ये वहाँ पे मैंने पूछा था, ये गिरिराज जी हैं यहाँ पे, इनके ऊपर कच्ची लस्सी चढ़ाई जाती है। कच्ची लस्सी बोले तो हाफ मिल्क हाफ वाटर मिलाकर एक पूरा ग्लास तैयार होता है, जिसमें मिल्क कम होता है वाटर अधिक होता है, वो कच्ची लस्सी कहा जाता है। और नीचे वो गिरिराज जी जहाँ पे नीचे खड़े हैं, लोग पूजा कर रहे हैं उनके ऊपर, यहाँ लाइन लगी हुई थी, भीड़ देखो एकदम भीड़ आई जा रही थी वहाँ से निकलने के लिए, उधर से आने के लिए था। और तो मैं भी एकदम लाइन में मस्त। और ये तो बस पूछो कुछ मत, ये तो जलेबी नॉर्मल जलेबी नहीं है, ये आलू की जलेबी है जी। हाँ ये आलू दही से बनी हुई जलेबी, भैया से पूछा, भैया कह रहे दही आलू की बनी हुई जलेबी है ये। और मैं टेस्ट करी, हाय 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 क्या टेस्ट था, लिटरली मज़ा आ गया। मतलब ऐसा लगा जैसे मीठे मीठे आलू होते हैं, जैसे आप कभी ट्राई कीजिएगा मैश करके पोटैटोस को, उसको धीमी आंच के ऊपर शुगर डाल के इसको सेकिएगा, तो एकदम मस्त मीठा मीठा वाला टेस्ट आएगा, मज़ा आ जाता है, मतलब वही वाला टेस्ट आ रहा था। और ये था एक और कुंड था, ये वो सरोवर था, ये कुंड है, ये हमारा राधा कुंड और कृष्ण कुंड, उधर कृष्ण कुंड है, इधर राधा कुंड है, इस साइड ये राधा कुंड कहा जाता है, उधर को कृष्ण कुंड। आइए चलते हैं उधर ही देख लेते हैं जाकर। और ये एक मंदिर था दोनों कुंड के बीच में, ऊपर नाम लिखा हुआ है, आप रोके पढ़ भी सकते हो कौन सा मंदिर था। और फिर वहाँ से हम लोग निकल पड़े, दूसरी जगह जाना था जिसका नाम था बरसाना। बरसाना में वहाँ राधा जी हैं, राधा रानी जी हैं, तो वहाँ पे ऊपर जाना था, वो जो मंदिर देख रहे हो ऊपर सबसे ऊपर वहाँ पे। और यहाँ पे देखो लिटरली कितनी ज़्यादा भीड़ है, और कहते हैं 365 सीढ़ी वो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए, चढ़ो तो ऊपर पहुँच जाओ। दूसरा रास्ता भी था अपना, कार से भी जाती है ऊपर, बट आज ट्रैफिक में जाम ज़्यादा था, लोगों का चलना ज़्यादा था, इसलिए कार बंद कर दी गई थी, बाइक जा रही थी, बाइक से मतलब इतना सेफ नहीं है आप लोग को पता ही है अब चढ़ो तो इसलिए पैदल जाना सबसे सेफ लगा मुझे, तो इसलिए मैं पैदल ही तो गया। और वैसे ही स्टेयर्स तो चढ़नी थी, और उसमें क्या हो गया, स्टेयर्स तो ईजिली आदमी चढ़ ही जाता है, आते समय भी ईजी है, ऊपर जाते समय। और बट एक बात है, ऊपर जाते जाते भी भीड़ तो लिटरली बहुत आ रही थी ऊपर से नीचे, मैं तो डर ही गया था, मैं पता नहीं कितने कितने लोग होंगे। और अभी शाम के 7 बज रहे हैं, और व्यू देख सकते हो ऐसा दिखता है ऊपर से, ऊपर से आपको और अच्छा व्यू दिखाऊंगा। और इधर देख लो ये पहाड़ है, और यहाँ पे ऐसे हाथ रखो और रेस्ट कर लो। और अभी मैं हाफ ऊपर पहुँचा हूँ, हाफ वाला, और इतना कुछ दिख रहा है, देख लो सब कुछ ऊपर का फुल,
व्यू दिख रहा है, और मैंने अभी वहाँ चढ़कर वहाँ चढ़कर वहाँ जाना है, वो देख लो जहाँ पे वो लाइट लगी हुई है वहाँ जाना है, तो वहाँ जाना, तो वहाँ से व्यू देखे कितना मस्त आएगा। चला जाए फिर, चलते ही हैं, दिखाते हैं आप लोगों को व्यू वहाँ का भी, चले यहाँ कुछ इंजॉय कर लो व्यू, मतलब मस्त लग रहा था। और वहाँ पे ना इतना, मतलब रुकिए फोकस करता हूँ, अरे फोकस हो जा, फोकस ही नहीं हो रहा, हाँ हो गया फोकस। वहाँ पे देखते हैं वो पहाड़, हल्के हल्के वो पहाड़ हैं, मतलब अब वो मिट्टी के बने होते हैं शायद। और ये देख लो, ये मैं ऊपर पहुँचा नहीं हूँ अभी, मैंने वहाँ पर पहुँचना है, ये तो हाफ आया हूँ उसके, उससे मतलब वहाँ से ऊपर आया तो वहाँ पे आ गया, अब चढ़ रहा हूँ मैं ऊपर धीरे धीरे। कितने लोग आ रहे थे, और पीछे का वहाँ का व्यू भी देख लो, एकदम मस्त है ना सीन, मतलब एकदम मस्त आ रहा था, लाइटें जग रही थी, जगमग जगमग कर रहा था ऊपर से देख कर, सुपर मतलब लिटरली वाला मज़ा आ गया ऊपर से वीडियो बनाने में भी। और इधर से जाकर वो सामने किचन है, और इधर ये मंदिर है, इधर की साइड लेफ्ट राइट हैंड साइड मंदिर था, और सामने ये पर्दा बंद था मंदिर के सामने। अभी उनको भोग लग रहा था, खाना पानी मतलब खिलाया जा रहा था क्योंकि आरती होने वाली है, तो भोग लग रहा था इस चक्कर में। और इधर पीछे बैक साइड देख लो कितनी भीड़ है, आगे इतनी भीड़ थी मैं आगे गया ही नहीं, ये पीछे ही खड़ा हो गया, मैंने वीडियो बनाई जितनी शूट किया हूँ। और यहाँ से ऊपर से देख रहे हो कहाँ से आए थे हम लोग, वो नीचे से आए ऊपर यहाँ तक, मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है, अचीव कर लिया कुछ हम लोगों ने, मतलब क्या ही कहा जाए, इसकी तो फीलिंग ही अलग है। और तो देख लो लाइटनिंग इफेक्ट कितना अच्छा अच्छा आ रहा था, मंदिर इसके ऊपर भी जा सकते थे पर वो अंदर सीढ़ियाँ थी तो अंदर भीड़ बहुत ही, नहीं तो मैं इसके ऊपर भी जाने वाला था। इसे यहाँ पे कहते हैं अटारी, जो ये ऐसे गुम्बद जैसा बना हुआ है ना, ये अटारी है, इसे अटारी कहा जाता है। यहाँ पे खड़े होकर आप आराम से व्यू देख सकते थे, और कुछ लोग यहाँ फोटोज़ क्लिक करवा रहे थे अपनी, लाइट के इफेक्ट के कारण अच्छी लाइट आ रही थी। और जहाँ मैं खड़ा था वहाँ पे भी देख रहे एकदम भीड़ से भरा पड़ा था, एकदम अच्छा खासा भीड़ भीड़ हुई पड़ी थी, और क्या ही कहने। और वहाँ पे आगे जाना है आरती दिखाने के लिए आपको, और अच्छे जूम कर लेता हूँ, हाँ वो वहाँ पे राधा कृष्ण जी हैं, उनको जाली सा ढका हुआ, वो उनकी आरती, और जाली से इसलिए ढका हुआ है, लोग क्या करते हैं दूर से खड़े होकर अपना प्रसाद या फूल या माला कुछ उनके ऊपर से फेंक देते हैं, तो उनके ऊपर ना लगे तो पीछे ही रुक जाए, तो इसलिए उनको ऐसे ढका हुआ था। और देख लो वहाँ पे राधा कृष्ण जी की आरती चल रही है, राधा जी की है, राधा जी वहाँ साइड पे खड़े हैं, एक तरफ कृष्ण जी हैं, उनकी आरती हो रही थी, वो भी शयन आरती, मतलब कि बस मेन टाइम था, मतलब लास्ट टाइम ही था, मतलब लास्ट टाइम मीन्स अपना उनके सोने का टाइम था, उससे पहले जो आरती होती है वो था, फिर उनके दर्शन होकर फिर उनको सुला दिया जाता है। जो पर्दा पीछे देख रहे हैं उसके पीछे उनकी चौखट है, वहाँ पे वो सोते हैं, उनके पीछे जाकर बहुत बड़ा और भी है अंदर जाने का, जिनको मौका मिल गया, बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग एकदम, तो उनके पास जाकर जो पहुँचने का मौका मिल जाए। और आरती का हम लोगों ने आनंद ले ही लिया, और यहाँ से अब निकला जाए वापस नीचे, इतना ऊपर से नीचे जा ही रहा हूँ, वहाँ खड़ा था मैं ऊपर देख सकते हो, और नीचे जा रहा हूँ अब मैं, क्योंकि वैसे बहुत लेट हो चुका था, फिर वापस भी जाना था, टाइम पर पहुँचना था होटल, मेरा वैसे प्लानिंग था बांकेर मंदिर जाने का, बट टाइम इतना ज़्यादा लग ही जा रहा था कि फिर प्लान मेरा चेंज हो गया और कैंसिल होकर मैं इधर ही रह गया, मतलब कि गया ही नहीं, ज़्यादा लेट हो गए थे इसलिए। फिर अब कुछ खाने पीने का मेरे दिमाग में आया, कुछ खा पी लें, तब खाने पीने जा रहा हूँ, देखो क्या खाता हूँ क्या मिलता है, लेट बी सी। और मैंने ये भैया को बोलकर पाव भाजी करवाई थी, बट ये विदाउट अनियन, यहाँ पे आपको वृंदावन में विदाउट अनियन विदाउट गार्लिक मिलता है, पाव भाजी मैंने ट्राई की, मस्त थी बट ठीक थी, मतलब अब क्या ही कहूँ, मतलब अनियन के विदाउट अनियन तो आप समझ रहे हो कैसे कैसे हो गए, भैया को बटर बटर डलवा लिया एक्स्ट्रा, और टेस्ट करके देखा जाए, विदाउट अनियन विदाउट गार्लिक आपको मिलेगी, और टेस्ट करते हैं आपको बताते हैं फिर कैसा टेस्ट है कैसा क्या है, हमारा तो काम ही है आप लोगों के लिए ऐसा अच्छा अच्छा खाना लाना, अच्छी अच्छी वीडियो लाना और बताना, और टेस्ट करने लगे शक्ल मत जाना, शक्ल और बाल बहुत ज़्यादा बिगड़े पड़े हैं, सेटे नहीं हुए अभी तक, फिर तो मैं ब्लॉग बनाने लग गया, ठीक है, मतलब एवरेज ही थी, मतलब प्यार नहीं था ना तो एवरेज एवरेज लगा, मीठा मीठा सा टेस्ट आया था, ऐसा जैसे कि गुजराती खाना खा रहे हैं, अब मीठा मीठा टेस्ट आया समझिए रो अजीब सा लगेगा, मीठा मीठा आदमी खाता था तीखा, मतलब झंझन तो होना चाहिए, मतलब एकदम तीखा तड़पड़ा होना चाहिए। तो अब मैं घूम रहा था कहीं मैं कुछ मिल जाए खाने को, मिल जाए कुछ खाने को, सोचा फिर गोला एक ट्राई करता हूँ, तब ले जाता हूँ गोला देखने, भैया बना रहे हैं गोला मस्त मस्त, ये मशीन थी क्रशर मशीन थी आइस क्रशर, तो भैया यहाँ गोला बना रहे हैं मस्त वाला,
दो गोले करवाए थे मैंने उनके, उन्होंने वो कुछ डाला मसाला, फिर उसके बाद वो डाला सिरप बस, और वहाँ पे सब कुछ बंद हो गया। तो डायरेक्ट आया मैं अपने रेस्टोरेंट में जाकर फिर मैंने आलू के परांठे और एप्पल जूस करवाया। भूख बड़ी तकड़ी लग तब भी लगी हुई थी क्योंकि उतना ज़्यादा स्वाद नहीं आया। फिर यहाँ पे बस मैं करवा खा पी कर फिर अपने होटल जाऊँगा, फिर अगले दिन निकलना। और पता देखो यार कितना होगा, चलो कोई बात नहीं कवर कर लेंगे।